कैरम खेलेंगे, वहाँ पे टीटी है तो वह सब खेलेंगे। रोहन बॉल लेकर आया, लकी भाई ने उठा के मारा और हर्ष भाई ने धीरे से सटका दिया। ओ माय गॉड, चल कि रोहन अकेले खेल रहा है, मन मुटाव हो गया पता नहीं क्या। और रात्रि आ रहा, रोहन दिखाने वाला है गरबा। प्लीज रोहन गरबा दिखाओ ना एक बार। बैक टू न्यू वीडियो। और ऑफिस वाला ब्लॉग है ना, मतलब काफी दिनों के बाद शूट कर, एक्चुअली मेरा टाइमिंग चेंज हो गया। अभी हम नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, 4 to 1:30 वाले में। पहले 12 to 9:30 में वर्क करते थे, तो आपको दिखाते थे। इस बार आपको ना नाइट शिफ्ट का हम दिखाने वाले कैसा रहता है। तो भाई अभी पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हो गए हैं, और मेरी कैबिन आज थोड़ा टाइम से पहले आ गई है। तो देखते हैं, भैया पहले ही कॉल कर दिए थे आकर। और कहाँ पे यार, कैब तो दिखा रहा था इधर ही। ओहो आ गया भैया, तो पीछे ही है भाई अपना कैब, तो चलते हैं। सबसे पहला पिकअप आज मेरा ही था, फिर मेरे बाद जो है ना बाकी लोगों का पिकअप है। तो ये है अपनी कैब, तो फाइनली चलते हैं। चलिए कैब से फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली निकल गए, और ये अपना घर है, तो निकल गए हैं अभी। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाले कि रात में कैसे काम करते। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अपने ऑफिस में, और कैब में जो नींद आता है ना यार, मत पूछो। तो कैब में आधा घंटा सो ली, क्योंकि कैब पहले आ गई थी। तभी कुछ जाते हैं, कुछ हल्का फुल्का जूस वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि दिन का शुरुआत जूस से होगा और दिन ख़त्म भी होता है ना जूस से ही होता है। तो पहले कैफेटेरिया, आप लोग ये सब चीज़ पहले ही देख चुके हो, लेकिन फिर भी दिखाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सुबह ही वाटरमेलन का जूस पीते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में क्या ना कि पानी भी मेंटेन रहता है, क्योंकि पानी हम फ्लोर पे पानी कम पीते हैं, इसलिए वाटरमेलन का जूस से शुरुआत। तो जल्दी से पी लेते हैं, फिर उसको जाते हैं काम करते, फिर थोड़ा देर के बाद मिलते हैं आपसे। रोहन अचानक आ गया था, तो रोहन से भेंट करे। शरमा रहा है रोहन, कभी कभी ना बहुत शरमाता है, क्यूट लड़का है लेकिन अच्छा है, मेरा बहुत हेल्प करता है, बहुत बढ़िया दोस्त है। हर्ष भी आया था कि नहीं, छुट्टी पे है क्या आज? गाड़ी से। अच्छा गाड़ी से, हमको लगा कि छुट्टी पे हार्ट अटैक देता है। हर्ष भाई बिना मन ही नहीं लगेगा बताओ। तो अभी हर्ष भी आने वाला था, रात में आज हम लोग गेम खेलने चलेंगे, और आप पब्लिक को दिखाएंगे कि गेम वाला, क्योंकि हम आज तक कभी नहीं देखे। यहाँ पे माइंट्री में गेम जोन भी है, बट हमको कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे गेम भी होता है। तो रात में जाएंगे, कौन सा वाला, B7 की B5 में है? तो B7 में जाएंगे गेम खेलने के लिए, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और रात में कुछ अलग अलग स्टफ हम लोग खाते हैं ना रात के टाइम में, तो मज़ा आता है। A few moments later. तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हम सोचे कि कुछ कैंटीन में आके कुछ खा लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है 2 पपाया शेक, 1 बनाना शेक और 1 सैंडविच है, पनीर सैंडविच, फुल्ली पनीर कॉर्न सैंडविच है। तो तीनों ऑर्डर किया खाने के लिए, इसको खा लेंगे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर जाके काम करेंगे। जब भी मन नहीं लगता तो हम आके कुछ खा लेते तो अच्छा लगता है हमको। A few moments later. तो गाइस बहुत देर के बाद निकले हैं, बहुत काम करके थक गए, तो सोचे कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता हो जाए। तो अभी रात के 11:30 बज रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं हल्का फुल्का लाइट नाश्ता करने के लिए। हर्ष भी है, लकी है और तेजा है, सब लोग साथ में जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लाइट नाश्ता में मिलता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि आज गेम खेलेंगे, बहुत टाइम से गेम खेले नहीं है, और मेरे को मालूम भी नहीं था यहाँ तक कि ना कि अपने ऑफिस के अंदर में गेम भी है। लोगों ने बताया था कि ये मतलब किधर गेम है, मिक्सिंग गेम खेलेंगे, मिक्सिंग यहाँ वाला ये जगह कौन सा मिक्सिंग गेम बोल रहे हैं। आज तो कैफेटेरिया खाली होगी, वो फ्राइडे है ना, तो ज़्यादा लोग रहेंगे भी नहीं। वो भाई पूरा खाली है, पूरा खाली है। भैया फ्री में पिलाएंगे क्या? आज तो क्रेडिट भी नहीं है, आज वाला बच जाएगा हमको लग रहा है। आज का आज क्रेडिट नहीं है क्योंकि आज कोई लोग भी नहीं है। फ्री में देंगे हम लोग को, खिलाएंगे हैं नहीं खिलाएंगे? बहुत टाइम है मेरे बोलते हो। कौन सा? 2:30 सुबह कुछ ऑर्डर आया तो फिर प्रॉब्लम। अच्छा सुबह में भी खिला देंगे वाला फिर से क्या? 2:30 को स्नैक्स का टाइम हो जाएगा, जब बजे तो खिला देंगे। अच्छा तो हम लोग 1:30 में ही लॉग आउट कर देंगे। अरे चलिए कोई नहीं, भैया फ्री में नहीं खिला रहे हैं। ए हर्ष भैया गिली 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 और आ रहे लेके हम कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, रात को 12 बजे वाला स्नैक्स बचा हुआ है। हम लोगों के ना क्रेडिट मिलता है, तो हम लोग उसी क्रेडिट से यूज़ करते हैं कुछ लेने के लिए। तो हम ले लिए हैं, क्या क्या है, स्लाइस है और ये पता नहीं क्या है, ये वाला क्या है भैया? अच्छा वेज पफ है, और एक बिंगो और एक सॉस, और 4-5 चम्मच ले लिए हैं। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेंगे, अपना स्नैक्स है सबके लिए, ये लीजिए स्नैक्स आ गया है। बाकी हम चावल लेकर आ रहे गर्मा गर्म, रोहन के लिए लाता हूँ कि रोहन रात में भूखा ना रह जाए। रोहन कुछ मैसेज देना चाहता है, बोलिए रोहन जी क्या बोलना चाहते थे? हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड यही बोलना था, वाह बात काट दिया है, बात काट दिया है। तो भाई इतना सारा देख रहे खाने में आइटम था, और रात्रि आ रहा रोहन दिखाने वाला है गरबा। प्लीज रोहन गरबा दिखाओ ना एक बार। अरे नक्को करो ना, दिखा दो ना गरबा, गरबा नहीं दिखा रहा है, दिखा ना, शर्मा रहा है, देख रहा हर्ष भैया गरबा नहीं दिखा रही है। मेरे साथ करो ना गरबा, दोनों साथ में करते आ जाओ।
देख रहे गरबा नहीं कर रहा तुल कर देगा ना भाई, टिकट बर्बाद नहीं करेगा गरबा का डांस नहीं दिखा रहा। रोहन बोल रहा ना सीधा ना एकदम गरबा जहाँ होता है ना वहीं पे जाके डांस करेगा। मतलब ठीक है वेट करते हैं, नेक्स्ट वीकेंड तो जाने वाले हैं हम लोग गरबा पे हैं। तो हम लोगों ने लाइट हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो वहाँ पे गेम खेलेंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट इतना देर में तो शिफ्ट खत्म ही हो जाएगा, तो 10-15 मिनट का जो इंटरटेनमेंट है वो कर लेंगे। तो नाइट शिफ्ट कुछ इस तरह से रहता है, तो अभी आपको दिखाएंगे। मतलब आज फ्राइडे है ना तो थोड़ा सा चिल रहता है, बाकी दिन थोड़ा सा काम रहता है, तो बाकी मज़ा आता है लेकिन करने में। लेकिन नाइट शिफ्ट का एक अलग सा एक्सपीरियंस है यार, फुल पावर मज़ा आता है। और ग्रुप में रहते हैं ना तो ये देखिए फुल पावर सब आ रहे हैं एंजॉय करते हुए यहाँ पे। बहुत टाइम के बाद ट्राई किया ऑफिस में सर, यूजुअली क्या नाम चोटी बांधते नहीं है, बट ऑफिस में ट्राई किया था। तो भाई चलते चलते हम लोग आ गए हैं B7, और B7 में लाइटिंग वगैरह रात में ना मस्त लगता है यहाँ पे। ये देख रहे हैं ये आरोहण यहाँ से अपना वीडियो कर रहे हैं यहाँ पे। तो मस्त हम लोग जाएंगे और गेम हम लोग यहीं पे खेलने वाले हैं। तो ये है देख रहे भाई, इस टाइम पे कोई नहीं रहता, बट यहाँ पे सब्वे वगैरह भी मिल जाएगा। इस बिल्डिंग में ना आना बहुत कम होता है हम लोग को यहाँ पे, तो जल्दी हम लोग यहाँ पे आते नहीं है। तो सोचिए कि 10 मिनट के लिए चलते हैं गेम खेल लेते हैं, जिससे अपना थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद अपनी शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले है ना क्या ना काम खत्म करते हैं उसके बाद ही हम लोग इधर, ऐसा नहीं कि अपने काम को छोड़ गया। तो काम आप लोग भी खत्म कीजिए फिर आइए आप लोग घूमिए यहाँ पे। B7 में फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा गेमिंग जो होने वाला है यहाँ पे। और कैसा कहाँ ले रहा रोहन, सीढ़ी चढ़वाएगा क्या रे? लिफ्ट तो इधर है भाई, लिफ्ट को छोड़ कर रोहन हम लोग को सीढ़ी से ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। देखते हैं कौन सा कॉन्टे में ले जा रहा है। अरे तो पार्किंग में लेकर आ गया रोहनवा, हमको लगा कि उधर गया उधर वाले साइड में, लेकिन इधर आया हुआ है। ये डबल बाई डबल रास्ता है, उधर से आए फिर उसके बाद इधर से, तो हम लोग को मालूम नहीं था कि इधर अंदर में खुफिया लिफ्ट भी यहाँ पे, ये मतलब सीक्रेट लिफ्ट है, यहाँ पे आके आप लोग अंदर से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से निकल कर आ और फिर उसके बाद दूसरा गेट से निकल के जा रहे हैं, अभी दूसरे पार्किंग में लगा। अच्छा तो ये वाला गेम है, अरे मेरे को लगा कि अरे भाई ये है स्पोर्ट्स, तो बच्चा लोग खिलौना लग रहा है इसे, मेरे को लगा था बहुत बड़ा होगा। हाँ हम सोचे कि बड़ा होगा लेकिन इतना में तो क्या होगा। देख रहे भाई दिमाग कैसा लगाया, इधर भी पार्किंग और उधर भी पार्किंग, दोनों के बीच मैंने गेम बना दिया। मतलब बोलते हैं ना कि माइंड से ना पूरा खेला गया है, और ताकि ना जगह भी बच गया और लोग का खेलना भी हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना छोटा ही है, मेरे को लगा था कि काफ़ी बड़ा होगा, बट उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ठीक है अपना नॉर्मल इंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है यार। तो यहाँ पर कैरम रखा हुआ, कैरम खेलेंगे, वहाँ पर टीटी है तो वह सब खेलेंगे। रोहन बॉल लेकर आया तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। रोहन जी लाइए बॉल, मिला ट्राई करें। हो पुराने दिन ही आ गए मुझे, टास्कस वाले टास्कस में भी है, मैं खेलता था। ये लकी भाई ने उठा के मारा और हर्ष भाई ने धीरे से सटका दिया। ओ माय गॉड चला गया बाउंड्री से बाहर, ये बॉल मार दीजिए ऐसा बॉल कि छक्का चले जाए। ओहो ये बहुत बारीकी से खेला जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि गेम को आप देख सकते हैं एकदम। लेकिन लकी भाई बार बार बाहर मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर्ष भैया दोनों पैरों के बीच से पार कर दिया लकी भाई के। ये देखिए खतरनाक खतरनाक, यहाँ पे देख रहे हैं कि रोहन अकेले खेल रहा है, मन मुटाव हो गया पता नहीं क्या, अकेले ही बॉल को मारे जा रहा और पता नहीं क्या क्या कर रहा। तो रोहन भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, फिर देखिए धीरे से बॉल को ऐसे करके मार दिया गया। भाई हम जा रहे हैं, 10 मिनट कम हमारा रिफ्रेशमेंट हो गया, खेल लिए हम लोग, तो जल्दी से जाते हैं, फिर भूल भुलैया से होके हम लोग को जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ऐसे आप लोग को शायद नहीं मिल पाएगा, पता नहीं बहुत लोगों को नहीं पता चला क्योंकि ये भूल भुलैया की तरह है। तो ये देख लीजिए यहाँ से अंदर आना पड़ेगा, फिर लिफ्ट पकड़िए, फिर जाइए यहाँ से, तो फिर आपको बाहर निकल। चले गए क्या वो लोग? वो चले गए, हम लोग भी लिफ्ट का वेट कर, जल्दी से आ जाओ भाई। देखो भाई आप लोग भी खेलने आना, बट जो है ना काम को छोड़ के मत आना, काम कर रहा उसके बाद ही खेलने आना। तो वर्क जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी है और गेमिंग वगैरह उसके बाद है। तो भाई फाइनली आज का दिन बढ़िया निकल गया, तो अब छुट्टी हो गया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो आई थिंक सो कि वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।